ये हमारा कड़ी प्रतीकात्मक मार्च है, विरोध है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से सुनियोजित तरीके से हमारे नेता को आपने गिरफ्तार किया है, आज इसका विरोध बिहार ही नहीं, पूरा देश नहीं, विदेश से भी इसका विरोध के मैसेज आ रहे हैं और ये पूरे देश का एक मुद्दा बन गया है। पप्पू यादव के कार्यकर कहा देता विरोध लगा तानवीर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गडकरी कब पड़ गई क्या? हम लोग मैडम ये बताइए, चूड़िया होती है लेकिन क्या इस सरकार में आप लोग ने जो बेड़िया पहन रखी है ये क्या है? मैं बताना चाह रही हूँ कि सरकार महिलाओं को लेकर इतने अच्छे अच्छे कानून बनाई है कि आज महिलाएं मजबूर है चूड़ियों की जगह, जो महिलाओं के सौंदर्य का प्रतीक होती है चूड़िया, आज हमने इसकी जगह बेड़िया पहन ली है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सड़क हो चाहे वो अस्पताल हो। डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते थे लेकिन अब आए दिन देख रहे हैं डॉक्टर लोगों की जान के साथ साथ अब लोगों की इज्जत भी लूटने लग गए हैं। इसी सरकार के रीजन में अब कोई भी पूछने वाला नहीं है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो पारस हॉस्पिटल हो, चाहे वो राजेश्वरी हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नीति सरकार बस उन लोगों को संरक्षण दे रही है और किसके खिलाफ बस नीति सरकार खड़ी होती है? पप्पू यादव के खिलाफ, क्योंकि उनका गुनाह बहुत बड़ा था, वो लोगों की सेवा कर रहे थे। तो नीति सरकार बिल्कुल ही अंधी हो चुकी है। नीति सरकार उन्हें सजा देती है जो लोगों की सेवा करते हैं। क्या लगता है आपको कि ये बेड़िया
अब नीतीश कुमार के लिए आखिर किल साबित होगी। आप लोग ने भी अब बेड़ी लगा ली है क्या? मान बिल्कुल, और ये जब तक नेता जी को रिहा नहीं करेगी बेड़िया, हम नीतीश सरकार को हर रोज दिखाएंगे कि आपने बहुत गलत किया है, आपको किसी सच्चे सेवक के साथ अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि पप्पू यादव जिस तरह का राजनीति कर रहे थे, तो ये राजनीति आप भी कीजिए ना। कोरोना वार्ड में जाइए, शमशान में जाके लोगों की परेशानी चाहिए सुनिए, कोरोना वार्ड में जाके लोगों को गले लगा के दिखलाइए, लोगों तक खाना पहुँचा के दिखाइए, सब करके दिखलाइए, तब हम जानेंगे। जो लोग कहते हैं कि बी टीम है सी टीम है, तो इन तमाम चीजों को कैसे देखती है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर कहने वाले क्योंकि बहुत कुछ कहते हैं। हमने साफ तौर पे देखा रूढ़ी ने एम्बुलेंस से बालू ढोने का काम किया था, रूरल एम्बुलेंस के बारे में कहा कि एम्बुलेंस फिट नहीं थी, कोरोना पिछले साल ही आया था। क्या नीतीश सरकार इतनी निकम्मी है कि एक साल में एम्बुलेंस को फिट नहीं कर पाई, एक साल में अस्पताल का व्यवस्था नहीं कर पाई, एक साल में दवाओं का व्यवस्था नहीं हो पाया, तो नीतीश सरकार क्या इतनी निकम्मी है कि एक साल का साल में वो अस्पताल का व्यवस्था नहीं करती है, किसी चीज का व्यवस्था नहीं कर सकती, रोजगार का व्यवस्था नहीं करती है सकती है? तो ऐसे सरकार को रहने का कोई हक नहीं है हमारे बिहार में। नीतीश सरकार को गद्दी छोड़नी होगी, क्योंकि अब नीतीश सरकार में रहने लायक नहीं रह गई। सारे नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, अब उन्हें ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए और ऐसे आदमी के हाथ में गद्दी सौंपनी चाहिए जिससे बिहार के लोगों से जिसको मतलब हो, जो बिहार के लोगों का दर्द समझे, ऐसे कि नहीं बस गद्दी में आ गए और एसी का मजा ले रहे हैं, लोग यहाँ पे मर रहे हैं। तो आप देखिए जो कार्यकर्ता है उन्होंने बेड़िया पहन रखी है हाथों में, और सीधा नीतीश कुमार को चुनौती है कि जो महिला हाथों में चूड़ियां पहनती है उन्होंने आज जो है हाथों में बेड़ियां पहन रखी हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या हो रहा है कि जिस कारण से महिलाओं को भी जो है वो हाथों में चूड़ियां की जगह जो है वो बेड़ियां पहननी पड़ जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज कर रहे हैं, चूड़ियों की जगह बेड़ियां पहन लिया है, क्या हो गया? ये हमारे अच्छे दिन का निशानी है, हमारे मोदी जी बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो यही अच्छे दिन है। हम अपने बिहार सरकार से कह रहे हैं कि अगर अच्छा दिन चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा कर दें। अच्छा। इसलिए जो वो गरीब का सेवा कर रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे, बेटियों की रक्षा कर रहे थे, बहन की रक्षा कर रहे थे, लेकिन नीतीश जी से तो ये हो नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा कर दें। इसलिए तो हम बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को धिक्कार दे रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो वो जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा करें, और अगर वो कहते हैं कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे थे, सेवा नहीं कर रहे थे, तो वही राजनीति सड़क पे उतर के नीतीश जी करें, उनके मंत्री करें, उनके सांसद करें। वो लोग तो कहीं किसी को देखने भी नहीं जाते, कौन गरीब मर रहा है, कौन बीमार मर रहा है, कौन बहन का इज्जत लूट रहा है, हॉस्पिटल अब हॉस्पिटल जाना भी मुश्किल है, महिलाएं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती है अपने बच्चे का इलाज करवाने, अपने पति का इलाज कराने, वहाँ भी तो उनके साथ वही हो रहा है, कहाँ महिला सुरक्षित है? नीतीश जी तो महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, तो क्या कर रहे हैं वो हमें जवाब दे। अच्छा, महिला उत्थान की बात केंद्र के साथ राज्य सरकार करती है, लेकिन महिला का उत्थान होता आप समझ रही हैं बिहार में हुआ है महिलाओं का उत्थान? कुछ नहीं, बिहार की नहीं पूरे भारत में कहीं महिलाओं का उत्थान नहीं हुआ, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मोदी सरकार बहुत अच्छी लीडर नहीं, वो बहुत अच्छी डीलर है। हर कुछ बेच दिया उसने, रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, रातों रात नोट बंद कर दिया, क्या काला धन वापस हुआ, क्या भारत की स्थिति सुधरी, क्या अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, मुझे बताए मोदी सरकार। प्रधानमंत्री अब के आंखों में आंसू थे इन दिनों। हाँ, वो नाटक भी बहुत अच्छी करते, आपने मोर वाली फोटो देखी थी, मोर को खाना खिलाते वक्त, तो हमारे भारत में जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो हमारे मेहनत की कमाई से जो टैक्स भी दिया जाता है, तो उसको मोदी सरकार फोटो शूट करवाती है, भारत के बाहर घूमने जाने में वो पैसा बर्बाद होता है। अगर नहीं होता तो आज भारत में कोई विकास नजर आता, आज भारत में कोई विकास नजर नहीं आता। उनके आंसू झूठे आप मानते हैं? झूठे हैं मोदी जी के आंसू, मोदी जी के अगर आंसू सच्चे होते तो वो रोक के नहीं कुछ करके दिखाते, अच्छे दिन ला के दिखाते, वो मगरमच्छ हो चुके हैं, वो मगरमच्छ के आंसू है। अच्छा, तो आप गुस्सा जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से गुस्सा जो है वो तमाम महिलाओं में देखा जा रहा है। एक ही मांग जो है इन तमाम कार्यकर्ताओं की है कि पप्पू यादव को जो है जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए, नहीं तो ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी तैयार हैं जेल जाने के लिए, यही आखिरी कहना जो है इन तमाम कार्यकर्ताओं का है।